में होती है। फरमाइए। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बाय द वे, आप ऑलरेडी बैठ चुके हैं। हमाद, हमाद नाम है मेरा। तो वो एक्चुअली मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, क्या आप मुझे गाइड कर सकती हैं कि मैं किस कंपनी का लूँ? ये तो आपके बजट पर डिपेंड करता है। हमारे लिए ब्रोशर है जिसमें आपको तमाम वैरायटीज और उनके बजट के बारे में बताया जाएगा। हेलो, हाँ रिया साहब, जरा अंदर आइएगा। ये हमाद साहब हैं, कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, नजर डिस्प्ले सेंटर में ले जाइए। अच्छा, यहाँ तो कोई नंबर मिल जाएगा? फोन नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा। जब्बार, खिड़की पर जलवा तो दिखा दे। ओफो, कब तक आएगी? क्या हुआ भाई, खैर तो है? भाई यहाँ कैसे? वो गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। तो भाई खराब हुई है ना तेरी, तो तू किसी मैकेनिक के पास जा। यहाँ बिस्तर डाल के क्यों बैठा हुआ है? क्या मतलब, तुम नाजिम हो इसे लाके के? हाँ, क्या हुआ है लड़की तुम्हें? तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने आज तक चला करो, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती है? वो अम्मी, मैं वो। क्या वो अम्मी? अम्मी लगता है अपिया को कोई भूत नजर आ गया है ना अपिया? चुप करो, जाओ जाके चाय चढ़ाओ, अलमास आती होंगी। एक तो ये तुम्हारे अब्बा भी मिर्जा साहब के पास जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं। जाओ ना। हाँ, मैं चाय बनाऊं? तौबा है, किस कदर सुस्त लड़कियां हैं। ले अम्मी, मैं चलूं। हाँ ये बिनो, मैं जरा असर पढ़ लूं, फिर तुमने पढ़नी है। अच्छा, मेरा नाम जवाद है, जवाद। और ये जो घर है ना, ये मेरे चचा का घर है। अगर आइंदा तू इस गली में नजर आया मुझको, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा मच्छर पहलवान, बहुत देखे मैं तेरे जैसे। अबे चचा का घर है तो क्या गली खरीद ली है तूने? तुझे बोला छोड़े भाई, भरम वरम नहीं मार, आऊंगा नजर क्या कर लेगा। बाप करेगा मोटरसाइकिल, बाप बाप की तुझे बताऊंगा किसके बाप की सड़क है। देख लेंगे। तुझे भी मैं देखूंगा ना कि किसके बाप की सड़क है, पता चलेगा जब कि किसकी बाप की सड़क है और किसके बाप की सड़क नहीं है। साले तमाशा मचाया हुआ इन लोगों ने।
माशाल्लाह रिश्ता पक्का हो गया जा। It's very good. माशाल्लाह ये तो बहुत खुशी की बात है। आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बेटा। बस अब अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमें ये खुशियाँ बरतनी नसीब। आमीन आमीन। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, आप देखिएगा। अच्छा अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मौसूफ की खबर ले लूं। जाओ। अरे सुनो, देखो बेटा खाना खा के जाओ, ठीक है ना? खाना अगर आपके हाथ का पका हुआ तो फिर खा के जाओ। मेरे हाथ का? बस ठीक है, डन। जीते रहो। वाह भाई वाह वाह, फिराक में हम मुब्तला हैं किसी के और दुनिया त्याग कर तू बैठा हुआ है। हाँ भाई अमान, कैसे तू? ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहा हूँ ये तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हें शर्म नहीं आई चुपके से डेट फिक्स कर ली? क्या बकवास कर रहा है? अरे कोई डेट वेट फिक्स नहीं हुई है, वो तो मम्मी ने लुबना की डैडी से बात की है बस। मेरे चेहरे पर कहीं स्टूपिड तो नहीं लिखा हुआ? लिखा तो नहीं है, अलबत्ता प्रिंट जरूर हुआ। दुआ कर प्यारे, जैसे तूने अपनी मोहब्बत को जीता है ना, तेरा भाई भी अपनी मोहब्बत को जीत ले। बोला आमीन। आपकी इत्तला के लिए। लुबना मेरी मोहब्बत नहीं है, वो तो मम्मी की चॉइस है, मैं तो सिर्फ अग्री के। एक मिनट एक मिनट, क्या तू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो तुझे पसंद नहीं है? करता हूं, मगर बात मोहब्बत की हो रही है। तेरा फलसफा भाई तू ही जान। ये बता किसकी किस्मत फूटी? क्या मतलब? भाई जिससे कोई शायर मोहब्बत कर ले उसकी किस्मत फूटी जाया करती है ना। बताता हूँ यार, तू मैं अजीब आदमी है। बताता हूँ पहले उठ, कहीं चल के खाना खिला, फिर बताऊंगा। इसको तो ऑफ कर दे। चाची जान आप तकल्लुफ कर रही हैं मान से, मैं अपनी आंखों के सामने ताज़ा ताज़ा कढ़ाई में से निकलवा के लाया हूँ ये समोसे और जलेबी, खाइए ना आप। अच्छा तुम ले लो। नो थैंक्स। एक बात बताना तो भूल ही गया मैं आप दोनों को, ये मोबाइल देख रही हैं, ये मैंने कर ही लिया है 5,000 रुपये का, कैमरा नहीं है इसमें मगर मोबाइल बहुत अच्छा है। आप क्या कहा है चाची जान? वो किचन में है, खाना बना रही है। खाना नहीं खाऊंगा मैं चाची जान, असल में मुझे जाना है कहीं। जवाब भाई। भाई आप ये कह रही हैं इतने प्यार से तो इनकार तो नहीं कर सकता ना मैं आपको। अंकल कैसे? कौन अब्बा? एकदम चौकस, मेरे मतलब है कि एकदम फर्स्ट क्लास है। ये कैसे जान नजर नहीं आ रहे चाची, कहाँ कहीं गए मैं? वो अपने किसी दोस्त के गए। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं जरा वजू दिख आती हूँ, अजानों का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। चाची जान बहुत अच्छी है भाई, तुम क्यों बैठी? कहाँ चल दी? तुम्हारे लिए समोसा उठाया मैंने। बैठो बैठो। अरे बैठो ना। ये बताओ आप यहाँ कैसी है? ये तो आप ही बताएंगे जवाब भाई। तुम बहुत शरीर होती जा रही हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत दिनों से। समोसा खाओ। नो मैं डाइटिंग कर रही हूँ। हम खा लेते यार अहमद, मैं तो तुम्हारे पास बड़ी उम्मीदें लेके आए थे यार। 30 साल तुमने बैंक की जॉब की है, तुम बगैर डॉक्यूमेंट्स के मेरा लोन सैंक्शन नहीं करा सकते यार। यहाँ आदमी की नहीं सीट की इज्जत की जाती है, सीट के जाते ही इज्जत और हैसियत सब खत्म। जहां मैंने 30 साल जॉब की है वहां अब अगर कोई मुझे चाय का एक कप दे दे ना तो भला समझो। तुम किसी ऐसे इदारे को जानते हो जो सूद पर कर्ज देते हैं? मेरा मतलब है कि कोई प्राइवेट पार्टी? नहीं नहीं, वो लोग सही नहीं होते और मैं तुम्हें ऐसा मशवरा नहीं दूंगा। अगर कर्ज अदा ना किया जाए तो ये लोग मरने मारने से भी नहीं चूकते। अरे यार बेटियां अपने अपने घरों की हो जाएं तो मैं मरने से भी नहीं डरूंगा, कोई दुख नहीं होगा मुझे मरने।
कैसी बातें कर रहे हैं अहमद? तुम्हारे हौसले की तो मैं मिसाल ही दिया करता हूं। मैं क्या करूं मिर्जा, बड़ी की उम्र निकलती जा रही है और उससे छोटी की शादी के लिए बड़े भाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। और मिर्जा वो छोटी वाली है ना, वो यूं खड़ी भी होगी सामने। क्या करूं मैं, क्या करूं यार, क्या करूं बताओ जी। अहमद हौसला कर, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करे। हेलो रजा। हाय, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। आप क्यों इतने परेशान हो गए? आई गेट इट, शायद आप मुझे बच्चों समझे थे, है ना? शायद नहीं, यकीनन। आई एम राइट ना रजा? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बनवा के लाती हूँ। नो, आज अपनी प्यारी सी बच्चों और जीजू जीजू के लिए मैं चाय बनाती हूँ। पता है जीजू, मैं पूरे एक हफ्ते के लिए आई हूँ। रेली, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, है ना? तुम वाकई खुश हो जितने नजर आ रहे हो। कम ऑन से, मैं क्या, मेरी जगह अगर कोई भी हो और उसे तुम जैसी बीवी मिली हो वो तो अपनी किस्मत पे फखर करेगा। आई रियली लव यू। सही कह रहे, सच नहीं बल्कि सचमुच। I love you too. मैंने सुना नहीं, फिर से कहना। I love you too. क्या है यार, तुम लोग इसे मजाक समझ रहे हो? मेरी जान पे बनी हुई है। केबल ना लगने पे किसी की जान पे बनते हुए ना पहली दफा सुना। ओह हेलो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। साला हर वक्त हमारे घर में क्यों रहता है? कौन? जवाब? हमें कजन है, हमारा कभी भी आ सकता है। और हमारे होने वाले जीजू भी तो है ना? क्यों बाजी? क्यों बाजी? जीजू भी तो है। ये तुम्हारे जीजू है ना, ये बारिश में भीगा हुआ मुर्गा लगता है। साला जलेबियां समोसे बेचने वाला हलवाई कहीं का? कहीं का नहीं, यहीं का। देखो अफशा, वो सिर्फ तुम्हारा मंगेतर ही नहीं, हमारे ताई का बेटा भी है। अब ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला, अगर उसमें कुछ बुराई है तो तुम दूर कर सकती हो उन्हें। दिल का बुरा नहीं है जवाब। कुछ बुराई, कुछ बुराई, जहर लगता मुझे वो जहर। और अगर उसे ब्याह नहीं था तो मुझे पढ़ाया क्यों? क्यों तालीम दिलवाई थी मुझे? हेलो, फोन बंद कर दो। एक तो सहूलत की चीज भी लोगों ने अजाब बना दी। वैसे अहमद, मिर्जा साहब का खदशा बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोग वाकई बड़े खतरनाक होते हैं। तो मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। बैंक में डिपॉजिट हैं 10-15 लाख रुपए। अब उसके मुनाफे में मिलने वाली रकम से मैं अपनी तीनों बेटियों को रुख्सत तो नहीं कर सकता ना। जिंदगी दे अलमास को, वरना ये रकम महीने के खराजात के लिए भी ना काफी थी। लेकिन मसला तो ये है कि अगर कर्जा मिल भी गया तो अदा कैसे करेंगे, ये सोचा है आपने? 5 के 15 देने पड़ते हैं। बस दुआ करो कि कर्जा मिल जाए हमें। ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये हम बनाकर उस पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला पोर्शन हम किराए पे दे देंगे। तो इसी किराए की रकम से हम अपना कर्जा उतारते रहेंगे। अब यही एक सूरत है मेरे पास। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप।
चले खैर, फिक्र मत करें, परेशान मत हो, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। सो जाए। ले तो आया हूं इसे, लेकिन चलता कैसे है? और ये किस में वायरस कहां से आता है? कैसे आता है, कैसे आता है, कैसे आता है, कहां से आता है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये शायरी करते करते कंप्यूटर और ये लैपटॉप्स का शौक कैसे हो गया भाईजान? हैं? भाई आप ही तो कहते हैं कि मॉडर्नाइज दौर है, हमें साइंटिफिक इन्वेंशंस का फायदा उठाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो शायरी मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, बजाय कागज पर लिखने के टाइप करके इस पे सेव कर लिया करूँ। एक्सीलेंट। अब जरा ये चला कर तो दिखाएं मुझे। जी आपके होते हुए मैं कैसे इसको चला सकता हूँ? तो आपने क्या सोचा था कि मैं इसकी ओपनिंग करूं? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं सोचा था आप आएंगे, इसको ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद मैं इस पे काम अप शुरू करूंगा। देखो हमाद, जिंदगी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मिला करती है। शायरी तुम्हारा शौक है, बड़ी अच्छी बात है, जरूर करो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम जिंदगी को भी जरा सीरियसली लेना शुरू कर दो। कल वक्त मिले तो ऑफिस आ जाना। ठीक है, ये ले, चल पड़ा ये पीस ऑफ आर्ट, संभालो इसे। और हाँ वो उससे कहना चाय भिजवा दे। आए भाई साहब, आपको क्या पता, जिंदगी तो मुझे अब मिली है, मेरी शायरी का उन्वान मिल गया है मुझे। मैं तो समझ रही हूँ आपकी बात डॉक्टर, मेरा मतलब है भाई साहब आप नहीं समझ रहे हैं, मैं वाकई अब खौफ खाने लगी हूँ। क्यों होता है उसके सर में दर्द अक्सर और बेशतर? आप प्लीज होल्ड कीजिएगा, मैं बुलाती हूँ। फहद, फहद। छोटे साहब, हम साफ के साथ बाहर गए हैं। हम आपके साथ बाहर गए? शुक्रिया जाओ। भाई साहब वो तो बाहर गया है दोस्त के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदा हाफिज़। कैसी हो अफशान? मैं जानता हूं कि तुम ये डाइजेस्ट पढ़ती हो, इसीलिए इरफान भाई से ये ले आता था ताकि जब तुम लेकर जाओ तो मेरा खत पढ़ लो। मैंने रात को तुम्हारा फोन भी ट्राई किया मगर तुम्हारी बहन ने उठाया। अफशान मेरी भूख, नींद, सुकून सब छीन लिया है तुम। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू। अब अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मर जाऊंगा मैं। रात को 2 बजे तुम्हें फोन करूंगा, प्लीज फोन तुम्हें उठाना। शायद
की आंखों में तो हम तो अब उन्हें छोटे और कमतर दिखे हैं। तो कितने दिन के बाद दिया था मेरा लौंडा उनके, और वो अफसा है ना अफसा, वो तो उसके सामने तलक के नहीं आई। और एक तुम, अरे बस कर दे बस कर दे, खाना तो सुकून से खा लेने दे, है? इससे तो बेहतर था कि मैं वर्कशॉप में बैठ के खाना खा लेता, है? अबे काय को जाता है फूल पत्तियों की शर्टें पहन के उधर टशनबाजी करने, है? मैं चला गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे काय को चला गया, है? तू भी तो मेरे मामू की लमड़ी है, मैं गया था तेरे घर कभी? बोल, अपने निखटू लमड़े को ना समझाइयो, है? हर वक्त मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती है, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया, क्या कर दिया भाई मेरे भाई ने, है? कमाल करती है तू। बस बस हमारी एक ना सुनना, उन्हीं के गुण गाइयो। अच्छा अच्छा मेरी बात सुन, जब वादा है तो उसे कह दीजो, अब मैं ना सुनूंगा निकाह से पहले विदर्भ को गया, समझ रही ना बात को? हाँ, बात करती है खावा खाई के। ठीक हो यार? क्यों बुलवाया मुझे? यार एक काम है बहुत जरूरी। देख मुझे तेरी शेरो शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं। और नहीं यार, तुझे शायरी सुनाने के लिए नहीं बुलाया, तेरी मदद चाहिए। मैं अपना वॉलेट भी घर बुलाया भाई। यार फहद कभी तो सीरियस हो जाए कर यार। अच्छा अच्छा बोल। मैंने तुझे ये बताने के लिए बुलाया है कि मुझे मेरे ख्वाबों की मलिका मिल गई है। रियली? हाँ। कौन है वो? कंप्यूटर फर्म में जॉब करती है। फिर तो समझदार होगी, ये ऐसी हमाकत कर क्यों रही है वो? फहद अभी मेरी मोहब्बत यकतरफा है, she does not know about it। मुख्तसर बात करिए, स्टार प्लस के ड्रामों की तरह हर बात को खेच क्यों रहा है? यार मुख्तसर बात ये है कि तू जानता है कि मुझे कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, और मैं उसके ऑफिस से एक लैपटॉप खरीद कर लाया हूँ जिसकी अलिफ बे भी मुझे समझ नहीं आ रही कि है क्या। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें वायरस कैसे जाए? ताकि उस कंप्यूटर में वायरस डले और तू उसका दोबारा दीदार कर सके, है ना? अल्लाह तुझे खुश रखे। नो प्रॉब्लम। लैपटॉप का है? अंदर पड़ा हुआ है। चल वायरस डालता हूँ, ऐसा वायरस डालूंगा कि निकाल नहीं सकेगी। रियली? हाँ।